वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट के बारे में। तो हर साल सीटेट में से एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑनलाइन पैटर्न था तो तीन क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता था। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और इसी तरीके से हम रोज़ एक एक टॉपिक कवर करेंगे जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, उनकी थ्योरी को हम समझेंगे। तो आज हम समझेंगे हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत, हिंदी में समझेंगे आसान भाषा से। यहाँ से आप लोग दो नंबर पक्के समझे अपने। हार्वर्ड गार्नर ने जो ये सिद्धांत दिया था, इसको इन्होंने जो दिया था वह 1983 में दिया था, प्रतिपादित किया था। अब आगे एक बात कर लेकिन उन्होंने किस पुस्तक में दिया था, तो उस पुस्तक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट। तो ये पुस्तक भी याद रखिएगा, हालांकि ये सीटेट में नहीं पूछता है, लेकिन जब आप किसी भी स्टेट का टेट देंगे, जैसे स्टेट हो गया, बिहार का बीटेट हो गया या फिर यूपी का यूपी टेट हो गया, तो ये पुस्तक डायरेक्टली पूछा गया और बहुत बार पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्नर की पुस्तक का क्या नाम है। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट, ये इन्होंने 1983 में दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि बुद्धि सात प्रकार की होती है। बाद में इन्होंने आठवां प्रकार भी बताया, हालांकि इस समय पे नौ प्रकार इन्होंने बताए हुए हैं, तो हम आपको नौ प्रकार बता देंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप के बुद्धि की, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंट, संगीतात्मक बुद्धि। इन लोगों का झुकाव संगीत की ओर रहता है और इन्हें सुर ताल आदि का अच्छा ज्ञान होता है। इनमें संगीत का उपयोग करने की सही क्षमता होती है। जिसके पास भी ये बुद्धि होती है वे संगीत से जुड़ी चीज़ें आसानी से कर लेते हैं। ऐसे लोग गायक, म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर, इस तरीके के व्यवसाय में जाते हैं, ऐसे लोग का बुद्धि उधर चलता है। तो हम बात कर लेते हैं अगले टाइप की, तो वर्बल लैंग्विस्टिक बुद्धि, या फिर इसे हम कहते हैं भाषागत बुद्धि। तो ऐसे व्यक्तियों में भाषा और दूसरों के शब्दों का बहुत ज्ञान होता है, वे भाषा सीखना और दूसरे शब्दों का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, शब्दों के संबंध में गहराई को समझते हैं। तो जो लोग होते हैं, आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं जिनमें शब्दों का पकड़ बहुत अच्छा है, कुमार विश्वास टाइप के लोग हैं, जो जिन्हें शब्दों में तो कोई हरा ही नहीं सकता है। कितनों फैक्ट हो, न्यूज एंकर भी इस तरीके से इसी ग्रुप में आते हैं, तो न्यूज एंकर इस बार चर्चा में रह सकता है, ये पूछ सकता है। तो इसमें कवि, लेखक, इस तरीके के लोग आते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि कवि के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है। तो आप लोग वर्बल लैंग्विस्टिक या फिर भाषागत बुद्धि लगा के आइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट या फिर गणितीय बुद्धि। तो ऐसे लोगों में तर्क करने की क्षमता, समस्या सुलझाने की क्षमता, वैज्ञानिक सोच आदि होते हैं। वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेताओं में ये बुद्धि पाई जाती है। तो लॉजिकल इंटेलिजेंट, तो आप लोग देखे होंगे आप लोग के साथ भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स में पकड़ बहुत अच्छी होती है। एक बार सवाल अगर समझा देते हैं टीचर, तो एक बार में समझ जाते हैं जो चीज़ें आप काफ़ी बार में समझते हैं। तो ये एक तरीके खास तरीके की बुद्धि होती है, जिनमें यह बुद्धि पाई जाती है वे बैंक के कर्मचारी हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, फाइनेंसर हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट बुद्धि पे, जो है चौथी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट, प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इस तरीके के बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति में संवेदना होती है, प्रकृति के साथ रहने वाले पौधों जानवरों की देखभाल में अधिक रुचि होती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्रकृति से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, जैसे कि वे थम्बर्ड हो गई कनाडा वाली, जिसे पर्यावरण से ज़्यादा प्रेम था, या फिर सुंदर बहुगोड़ा थे जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, तो ऐसे लोग क्या होते हैं। और हाल ही में बात करें तो वे जो बीजेपी की महिला सांसद हैं जिन्हें सांपों और जानवरों से अधिक प्रेम है, तो वे भी इसी कैटेगरी में आएंगी। तो इसमें क्या होता है कि वेटनरी डॉक्टर, वातावरण विशेषज्ञ लोग होते हैं जिन्हें प्रकृति से प्रेम होता है, जैसे कि वे पौधों की देखभाल से लेकर जानवरों की देखभाल को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो जिसमें भी ये सारी लक्षण देखे, तो आप जान जाइए कि इस प्रकार की बुद्धि उनमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, मतलब शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो मांसपेशियों के कौशल के उपयोग करके पूरे शरीर या किसी को लचीला बनाना या किसी भाग को लचीला बनाना शारीरिक गति संवेदी के अंतर्गत आता है। आप देखे होंगे कि जो डांसर लोग होते हैं पूरे शरीर को तोड़ मड़ोड़ देंगे, एक बार बैठेंगे फिर उठ जाएंगे, या फिर एथलीट होते हैं जो लगातार दौड़ते हैं, या फिर बॉक्सर हो गए, तो जो भी एथलीट से जुड़े चीज़ें करते हैं उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, शारीरिक गति बुद्धि पाई जाती है। इनमें जातक, जिम्नास्टिक, शल चिकित्सक, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सर्जरी करते हैं डॉक्टर वे किस में आते हैं, तो उससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था। तो सर्जरी वाले डॉक्टर भी शारीरिक गति बुद्धि में आते हैं, बॉडी कैंडलिस्टिक इंटेलिजेंट में आते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने शरीर पर कंट्रोल रहता है जब वे ऑपरेशन करते हैं। तो
इसमें ये जाना है कि जो शरीर से जुड़ी चीज़ें होती है वे इस प्रकार के बुद्धि के लोग करते हैं और उनका बॉडी पर पूरी तरीके से नियंत्रण होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा जी हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इस बुद्धि के लोग समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति की चाहत, प्रेरणा और जरूरतें, दूसरे लोगों की खुशी के प्रति संवेदनशीलता। तो इंटरपर्सनल में क्या होता है, जैसे आप दुकानदार के पास जाएंगे तो आप कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो अगर आपके पास पैसे कम हैं तो वे बोलेगा कि आप लेके चले जाइए, अगर आप उसका पैसा कम बोल रहे हैं इतना हमने इतने में दीजिए तो बोलेगा ऐसे लेके चले जाइए, पैसे क्या जरूरत है आप तो आए ही जाएंगे। तो ये क्या होता है कि आपके भावनाओं को समझता है, आप उसके बाद तो आप जो बोलेगा वही दे के चले आएंगे। जैसे नेता हो गए तो वे बोलते हैं कि हम तो आप ही के बेटे हैं, हम आपके ये हुए, तो आप वे लोग समझते हैं। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, दुकानदार, इस तरीके के लोग आते हैं। तो चीज़ों को आप अपनी आसान भाषा में समझिए, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे एग्जाम्पल दे के पूछेगा किस तरीके की बुद्धि है, तो अगर आप आसान भाषा में समझे रहेंगे तो आप वहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इंटरपर्सनल में क्या होता है कि लोग दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की बुद्धि की, इंट्रापर्सनल, अंतः व्यक्ति। तो इसमें क्या होता है, इंट्रापर्सनल में क्या होता है, लोग अपने आप को जानते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति गहरी सोच के होते हुए अपनी निजी भावना, अभिप्रेरणा तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतर क्रिया में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीके के लोग अपने आप को खुद समझते हैं। जैसे साइकेस्ट्रिक हो गया, मनोविज्ञान चिकित्सक हो गया, तो वह जाएगा, आप जाएंगे तो वह आपकी भी बुद्धि समझ जाएगा और अपने आप को भी समझता है। दार्शनिक हो गया, डिजाइनर हो गया, इस तरीके के लोग खुद को समझते हैं कि क्या है कैसे है, तो ये इंट्रापर्सनल में आ जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट, विजुअल, मतलब देसी। जैसे कि कुछ लोग इस टाइप के देखे होंगे कि एक बार, हालांकि हम देख लेते हैं जो इसकी थ्योरी है, ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने में सक्षम होते हैं। वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने में सक्षम होते हुए आसानी से देश की जानकारी अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये उस तरीके के लोग होते हैं जो आप देखे होंगे कि कुछ लोग आप लोग के भी साथ होंगे कि एक बार आप उन्हें कुछ दिखा दीजिए तो वे उन्हें हूबहू याद हो जाता है, एक नक्शा दिखा दीजिए उन्हें याद हो जाएगा। नाविक को देखे होंगे कि समुद्र में बस एक नक्शा, एक मैप के इशारे पर चला जाता है, या फिर जो डिजाइनर होते हैं या फिर जो इंजीनियर होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वास्तुकार होते हैं, उन्हें देखेंगे तो पूरा एक खाली रोड को इस तरीके से मैप कर देंगे कि इधर ये घर होगा, उधर वो घर होगा। तो इस तरीके के लोग होते हैं जिनमें देसी का स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। इसमें नाविक, पायलट, चित्रकार, मूर्तिकार आदि आते हैं। तो ये रहा हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें हमने 8 प्रकार की बुद्धि कवर किया। और जो नवा बुद्धि है जिसे 2000 में जोड़ा गया, उसे वो कहते हैं दार्शनिक बुद्धि। उसमें क्या होता है कि लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि धरती कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, आत्मा क्या है। तो इस तरीके की जो लोग चिंतन मनन करते हैं उन्हें दार्शनिक बुद्धि कहते हैं। सीटेट में यह भी क्वेश्चन बनता है कि हार्वर्ड गार्नर के बुद्धि के सिद्धांत में कहाँ पे कमियां पाई गई, कहाँ पे जाके हार्वर्ड गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत फेल हो गया। तो हार्वर्ड गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत हर मेजरमेंट में अच्छा गया, लेकिन इसे मापने का कोई मेजरमेंट ही नहीं है। जैसे कि हर तरीके की बुद्धि को बता तो दिए हैं, लेकिन ये किस तरीके से नापी जाएगी, किस तरीके से हम बोले कि आपके अंदर भाषागत बुद्धि या फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंट है, आपके पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंट है, तो ये चीज़ें बताने में अभी तक तो कोई सक्षम नहीं हुआ था, इसलिए ये यहाँ पे इसकी आलोचना की जाती है। तो ये चीज़ें भी याद रख लीजिएगा। आई होप वीडियो आपसे पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं किसी और एक मनोविज्ञानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।